लेकिन मैं इन पुलिस वालों से डरने वाला नहीं हूं। आज आया न्यूज में देखे मुकदमा हो गया, अरे अकबर ओवैसी का मुकदमात के साथ चोली दामन का साथ है। अरे जितने डालते डाल लो जालिमो, तुम लोग जुल्म करते हो और जुल्म की जरिए तुम्हारी पहचान बन रही है और समझ रहे हो कि जेल में डालेंगे डर जाएगा, हथकड़ियां डालेंगे डर जाएगा। अरे जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में तुम डरा रहे हो, समझ रहे हो कि अकबर ओवैसी भी डर जाएगा? नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। ये सर मुसलमानों के विहार, उनकी इज्जत उनकी शान का सर है। सूली पे लटक जाऊंगा अल्लाह उसके रसूल की कसम, लेकिन इस सर को नहीं झुकाऊंगा। गिरफ्तार करना है कर लो, फिर रहा हूं कर लो, जेल में डालना है डाल लो, गोली मारना है मार दो, सीने पे लूंगा रसूल अल्लाह की कसम, पीठ पे नहीं लूंगा। मौत है तो है, लेकिन मैं इन पुलिस वालों से डरने वाला नहीं हूं। अरे आप बोलो, आप बोलो, ये जलसा है, हमारी तकरीर होगी, हटो 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 हटो, हटा के कोई आ गए तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब कर रहे ना। अरे मैं तकरीर कर रहा हूं, आके कर रहा है तो मैं क्या बोलूं जी? अच्छा सरकार बोलो, क्या है भाई? अगर ऐसा करा तो आप लोग आई दो धप्पे देते, चल अखबार आप आना नहीं बोलते। आप बताओ, अरे क्या मैं पुलिस स्टेशन जाके गड़बड़ करा? मैं परमिशन लेके मेरा जलसा कर रहा हूं और वो आके गड़बड़ करा, वो मेरे ड्यूटीज में इंटरफियर करा। मैं आज भी एमएलए हूं, नई असेंबली बने जब तक मैं एमएलए हूं, एमएलए के ड्यूटी निभा रहा हूं। एमएलए के ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए मैं कंप्लेन दिया हूं। अब मैं देखना चाहता हूं इंसाफ है या नहीं है। मालूम मुझे हमको इंसाफ नहीं मिलता, कोई बात नहीं, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हक होता है, बातिल बातिल होता है, और 30 तारीख को आसमान में पतंग 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 रहेगी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।